भारत में दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट मनाया जाता है। अन्नकूट का अर्थ है अन्न का ढेर। आज के दिन ही योगेश्वर भगवान कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करते हुए अपने वाम हस्त की कनिष्ठिका अंगुली के नख पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। श्री कृष्ण निरंतर 56 दिन तक पर्वत थामे खड़े रहे, इसलिए जब उन्होंने पर्वत को वापस रखा तो समस्त ब्रजवासियों ने विविध प्रकार के 56 पकवान बनाकर उन्हें खिलाए। इसलिए प्रतिवर्ष अन्नकूट उस सदियों पुराने दिवस की स्मृति में मनाया जाता है। कैसे मनाते हैं अन्नकूट देखेंगे इस वीडियो में। आइए मैं आपको बता देती हूँ कि इस दिन क्या करें। प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत भगवान कृष्ण का ऐसा चित्र लें जिसमें गोवर्धन पर्वत को हाथ में धारण किए हुए भगवान कृष्ण खड़े हों और अपने पूजा घर में लगा करके उसकी पूजा करें। पूजन के उपरांत गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का विग्रह भूमि पर बनाएं। सायंकाल उस विग्रह का पंचोपचार विधि से पूजन करें और 56 प्रकार के पकवान बनाकर भोग अर्पित करें। गोवर्धन परिक्रमा। गोवर्धन परिक्रमा पर्वत मथुरा से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित है। गिरिराज गोवर्धन को भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना जाता है। इसकी परिक्रमा की जाती है जो अनंत पुण्य फलदायी देने वाली है और मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करती है। गोवर्धन परिक्रमा 21 किलोमीटर की होती है। मार्ग में कई सिद्ध स्थल आते हैं जैसे राधा कुंड, गोठिया मध, मानसी गंगा, दान घाटी, मुछरी का लौटा आदि। इस प्रकार से दर्शन करके श्रद्धालु धन्य हो जाते हैं। वैसे अधिकांश श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा कर चुके होते हैं, लेकिन जिन श्रद्धालुओं ने अभी तक अपने जीवन काल में गोवर्धन परिक्रमा नहीं की है, वे यदि आज अन्नकूट की पूजा के उपरांत भगवान कृष्ण का ध्यान करके संकल्प लेकर के गोवर्धन परिक्रमा का संकल्प लेते हैं और यह परिक्रमा पूर्ण करते हैं तो उन्हें यह श्रेयस्कर और पुण्य फल प्रदायक हो सकता है। गोवर्धन परिक्रमा कुछ लोग पांव पे पैदल करते हैं, कुछ लोग अलग अलग विधियों से गोवर्धन परिक्रमा की जाती है। गोवर्धन की परिक्रमा कुछ लोग ऑटो रिक्शा से भी करते हैं, कुछ श्रद्धावश और कुछ पर्यटन के दृष्टिकोण से यहाँ पर लोग आते हैं। इसमें जो है राधा कुंड में बहुत ही प्राचीन मंदिर और गोठिया मठ और मानसी गंगा पुंछरी का लोटा में भी प्राचीन मंदिर है, जहाँ सुबह शाम प्रातः साय दोनों वक्त भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। तो आप भी गोवर्धन परिक्रमा करें और पुण्य के फल की प्राप्ति करें। धन्यवाद।